तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर को बोलो सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते जी। आज दे हेल्थ टॉक शो विच असी स्पैशल गैसट नूं लैके जो सानू अपडेट देंगे कोरोना वायरस के बारे। सो रीसेंट जिहड़ी न्यूज़ चल रही है कोरोना वायरस जो कि इंडियन वायरेंट जिहड़ा नवा आया है उहदे बारे भी सानू जानकारी देंगे। सो डॉक्टर महेंद्र पटेल, महिंद्रा पटेल, उन्हों का असं स्वागत करते हैं काशी टीवी ते जानते हैं उन्होंने को लेटेस्ट अपडेट कोरोना वायरस के बारे। सो डॉक्टर महेंद्र पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी टीवी पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो डॉक्टर महेंद्र पटेल, यू बीन ऑलरेडी हियर एंड लॉट्स ऑफ साडे हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं उन्हें आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। अच्छा जी, सो मैं प्रोफेसर फार्मेसी प्रैक्टिस हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड, यहाँ सिटी बर्मिंघम, सिटी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, और मैं प्रिंसिपल ट्रायल का फार्मेसी एंड ब्लैक एंड एशियन माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी लीड रिसर्च लीड फॉर द प्रिंसिपल स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो आई एम द फार्मेसी एंड ethnic minority community research lead for the principal study at the University of Oxford looking at treatment for COVID-19 symptom ke liye. So community mein treatment jaldi se kaise hote wo dhoond rahe the, so wo hum Oxford ke saath trial mein kaam kar rahe the. Aur mera aur duties ye hai ki main board member Royal Pharmaceutical Society ka national board member hoon. सो काफ़ी कुछ आप हमारे सिर्फ फार्मासिस्ट के तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन एज ए कम्युनिटी के तौर पर भी आप काफ़ी हमारे एशियन को बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम परहेज रख सकते हैं या जो जो नए रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में आप हमें जानकारी देते हैं। डॉक्टर पटेल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हमारे इन्हें जो उनसे वैक्सीन जो उनसे लेटेस्ट जो उनसे आपके पास इंफॉर्मेशन है वैक्सीन के बारे में, उसके बारे में हमें बताएं। वैक्सीन में यही है कि अपॉइंटमेंट्स जो सेकंड डोज के लिए वैक्सीन वो आगे लाएंगे और फ्रॉम 12 हफ्ते टू 8 हफ्ते, सो जो यंगर पीपल के साथ और जो रिमेनिंग पीपल के लिए जो टॉप 9 प्रायोरिटी ग्रुप बताया उन लोग को जो सेकंड डोज नहीं मिला तो इनके लिए थोड़े से जल्दी से आगे लाया है। पहले 12 हफ्ता का टाइम स्पान था, अभी वो 8 हफ्ते में आपको टाइम आएंगे। एंड दिस ये क्यों है, बिकॉज दिस इज के द प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए फ्रॉम ये कोरोना वायरस के जल्दी से आप सभी लोग को प्रोटेक्शन मिलेंगी। सो यंगर लोग को भी मिलेंगी और जो उम्र वाला लोग भी है उनको भी मिलेंगी, वो सेकंड डोज मिलेंगी तो फिर वो यंगर लोग भी आ सकते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिलेंगी क्या वैक्सीन के लिए। सो जो सर 12 वीक्स का टाइम था उससे 8 वीक्स में कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो भी इस वायरस की जो उनसी है उसे रोकथाम किया जाए, जल्द से जल्द जो उनसे लोग सारे वैक्सीन हों। वही है वो रेजिस्टेंस वायरस आ गया, सो दूसरी कंट्री में वो बताते हैं कि वो वायरस ऑफ कंसर्न बोलते हैं। जी जी। सो ये वायरस ऑफ कंसर्न के लिए इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग को जल्दी से वैक्सीनेशन कराते हैं, सो तो फिर सभी के लिए प्रोटेक्शन मिलेंगे। और अभी तो वो यंगर पॉपुलेशन आ गया, अभी तो 37 ऑनवर्ड्स है, सो हो सकते है कि उनके नीचे वाला भी यंगर पीपल को भी बुलाएंगे। एंड ये क्यों है कि यंगर लोग भी फैमिली के साथ रहते हैं, वो अभी तो लॉकडाउन ईजिंग हुआ थोड़े से, सो घूमते फरते मुकते पीते खाते मिलते घर में मिलते हैं, सो ये वायरस स्प्रेड करने की काफ़ी चांसेस मौका बड़ा हो गया है, बिकॉज ये यंगर लोग घूमते हैं एंड यंगर लोग घूमते के घर पे भी उनका मम्मी डैडी है, चाचा चाची है और फादर ग्रैंड पेरेंट है, उनको भी ट्रांसमिट करेंगी जो उनका सेकंड डोज वैक्सीन नहीं मिला है तो, एंड जिस लोग के अंडरलाइंग कंडीशन है उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं जो ये यंगर लोग के पास जो वायरस आ गए। सो ये सभी को लिए प्रोटेक्शन चाहिए, सो यंगर लोग के भी आगे लाएंगे।
सो इसका मतलब है कि होपफुली सून एवरीबॉडी विल बी प्रोटेक्टेड. दोनों इंजेक्शन की वजह से काफ़ी हद तक इस रोकथाम को किया जा सकता है जो कि इन्फेक्शन के तौर पर फैल रही है. हमारी वैक्सीन विल बी उसमें मददगार होंगे. तो आप हमें थोड़ा सा ये भी बताएं जो कि एक नया वायरेंट जो हम कहते हैं इंडियन वायरेंट जो आया वो भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे जो उनसे व्यूअर्स है उसको आप दें. या सो ये वायरस ऑफ कंसर्न ये बोलते हैं, जो पहले वो साउथ अफ्रीका वाला था, ब्राज़ीलियन वायरस. सो अभी ये वायरस ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, सो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी वो इंडिया वाला के बोलते हैं कि ये जितने वायरस घूमते हैं इतने हो सकते हैं कि उनका वेरिएंट ऑफ वेरिएंट हो जाएंगे. सो ये दबाना पड़ेगा. दबा किस तरीके से? जो दबाएंगा नहीं तो दूसरा वेरिएंट आएगा. सो ये जैसे जल्दी से जल्दी ये वायरेंट घूमने के लिए दबाएंगे तो नया वेरिएंट नहीं आ सकते. ये पहले तो यही है. और अभी थोड़े थोड़े से ये देखा है लास्ट हफ्ते में कि ये वो लोग बोलते हैं कि इंडिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न विच इज़, वो लोग बोलते हैं कि विच इज़ द B16172 यूके में आएगा. सो इतने ज़्यादा केसेस बोल्टन, ब्लैकबर्न विद डार्विन, बेडफर्ड, अभी बर्नली में भी आ गया. हो सकते वहाँ जहाँ वहाँ अपनी पॉपुलेशन है वहाँ भी काफ़ी है ये. सो ये ने उनका रेट क्या है कि ट्रांसमिसिबिलिटी आपको दूसरे के दे देते ये वायरस पहुँच के वो हो सकते है कि 50% ज़्यादा है दूसरा वायरन यूके वायरन वाला के साथ. सो इतने जो ज़्यादा है तो फिर कितने फास्ट वो स्प्रेड हो जाएगा. इसलिए अभी देखा कि कितने सिटीज़ में अभी आ गया ना, वो प्रडिक्शन करते हैं, प्रडिक्शन है अभी तो कि नेक्स्ट वीक हो सकते हैं कि ये वेरिएंट सभी यूके में मेन वेरिएंट हो जाएंगे फॉर द कोरोना वायरस. सो 50% इसका ज्यादा, अभी तो ये ब्लैकबर्न, बोल्टन, बर्नली, बेडफोर्ड में ये मेन वेरिएंट है. दूसरी जगह में भी कोरोना तो है लेकिन पर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यहाँ ज्यादा है. सो हो सकते है कि नेक्स्ट वीक और उसके बाद कि ये वेरिएंट सारे यूके में नहीं आ गया, दूसरी जगह हो सकता है कि थोड़े थोड़े से आते हैं पर ये मेन वेरिएंट बन जाएंगे. तो ये क्या कारण है कि इन्हीं इलाकों में ज़्यादा ये हो रहा है वायरेंट? या कोई मेन रीज़न है इसका कि क्या वैक्सीन नहीं लगे या कोई सर्टन कम्युनिटी के लोगों को हो रहा है कुछ ऐसा इसमें? ये प्रॉब्लम यही है कि वैक्सीन बारे में जो आप वैक्सीन नहीं लेते तो ये वेरिएंट ज़्यादा वो बढ़ जाता है ने स्प्रेड हो जाता है. सो स्प्रेड तो हो जाता है लेकिन उनका इलनेस जो यंगर पीपल को इतने ज़्यादा नहीं है पर ये दूसरे को भी स्प्रेड करते हैं बिकॉज उनका स्प्रेडिंग रेट काफ़ी बड़ा है. सो बड़े वालों को भी स्प्रेड करते हैं जिनको डबल वैक्सीन नहीं मिला है वो. और द रीज़न यही है कि ये अपने कम्युनिटी है, वो मानते नहीं है कि वैक्सीन अभी लगवाएंगा कि ओ पहले लगवाया और दूसरा नहीं चाहिए. कोई बोलते हैं एक ही लगवाया वो ठीक हो गया, कोई बोलते हैं कि दोनों तो अभी बाद में मैं लगवाएंगा. सो अपना प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है. द वैक्सीन इज सेफ, द वैक्सीन इफेक्टिव है ने ये वैक्सीन दुनिया में बहुत कितने सोचते हैं कि ढूंढ रहते हैं कि यह वैक्सीन मिलते हैं तो ठीक है. ये यहाँ अपने लोग में भी कि वो डर पता नहीं डर लगता है कि क्या, पर वो तो सिर्फ एक ही टीका लगाता है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि टीका लगवाया कि नहीं लगवाया. मैंने मेरा लगवाया, मैंने बोला था कभी लगवाएंगा तो वो बोली थी मैं लगवा दिया, मैं दे दिया. सो ये वो लगते नहीं है पर आपके सेफ्टी के लिए आप देखें कि इंडिया में कितने लोग मरते हैं, दुनिया में कितने लोग मरते हैं, यहाँ भी कितना लोग मरा. पर ये एक ही का प्रॉब्लम नहीं है, एक फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, एक देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है. बिकॉज जहाँ आने जाने हो सकते तो ये वायरस स्प्रेड हो जाएगा. सो इसीलिए ये मेन थिंग वैक्सीन के लिए आगे आना पड़ेगा.
एंड आपका टाइम होता है तो फिर प्लीज़ लगवा दो और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बता दो कि वैक्सीन की ज़रूरी है। जी कोई लोग पूछते हैं कि वेल ये वेरिएंट इतने हो सकते हैं कि वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करते जी, पर करते हैं, लेकिन आप लोग को जो जब तक ये वैक्सीन लिया ना आपको कुछ इन्फेक्शन लगता है जी, तो अपने सिम्टम्स इतना ज़्यादा नहीं लगेंगे, सो ये इतना बुरा सिम्टम्स नहीं आएगा, नहीं आएंगे अगर सो हो सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़ेगी, हो सकते हैं कि आपके तबीयत ठीक हो जाएंगे, ने वेंटिलेटर में नहीं जाना है और मौत भी नहीं आते हैं। सो ये मेन सिचुएशन ये है कि वैक्सीन लेने की ये नहीं है कि आपको नई वायरस आएगा, थोड़े से प्रोपोर्शन है कि वो आपको वायरस इन्फेक्ट हो जाएगा, पर लेकिन आपका इलनेस कम होगा हो गया, सो हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये मेन सिचुएशन। तो फिर आप काम कर सकते हैं, सभी लोग को मिलते ऐसे। एक चीज़ नहीं जानता है कि वो ट्रांसमिशन एक दफ़ा एक आपको इंजेक्शन लगवाया उसके बाद आपको इन्फेक्शन जो हुआ जी, तो ये ट्रांसमिशन को हटा के नहीं हटाए वो पूरा जानता नहीं है, अभी उसके बारे में पूरी जानकारी वो नहीं। वो ढूंढ रहते हैं, वो सोचते हैं, पर कोई बोलते हैं कि थोड़े वो ट्रांसमिशन भी कम कर देते, पर ये मेन मैसेज यही है कि आप वैक्सीन के साथ आपका सिम्टम्स इतना बुरा नहीं हो जाएगा कि आपके हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ेंगे, एंड ऑल्सो अपना चांसेस लो है कि आपका माइल्ड सिम्टम्स भी नहीं आएगा। ओके, सो काफ़ी हद तक जो उनसे दोनों वैक्सीन लगने के बाद पीपल एक किस्म की सेफ लाइन पर आ जाते, अगर आपके तरफ से देखें तो काफ़ी हद तक है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, डेथ्स रेट जो उनसे वो नहीं देखने में आते, और कोई जो कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होती, तो इसमें बेहतरी। कई बार ये भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, कई बार कहा जा रहा है या आई एम नॉट श्योर कि ये राइट है या रॉन्ग है, कि थर्ड वैक्सीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये कहाँ तक सच बात है? थर्ड वैक्सीन ज़रूरत ये, सो ये बूस्टर वाला है जी, सो थर्ड वैक्सीन में वो सोचते हैं कि जैसे जैसे टाइम आता है जी, अभी तो वो दे आर स्टिल इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं अभी ने, पर जो थर्ड वैक्सीन जो ये बूस्टर वैक्सीन बोलता है जी, जो वो जो अभी ट्रायल्स शुरू हुआ जी के ज़रूर जो पड़ेंगी, तो फिर वो तो 6-9 महीने के बाद में आपको ये बूस्टर वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। नहीं, ये बूस्टर वैक्सीन क्या है कि जैसे जैसे न्यू वेरिएंट्स आता है तो वैक्सीन में भी थोड़े से वो बदलते हैं, इजी बदलने की लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग करते वहाँ बदल देते हैं, पर ये वो फैसिलिटी ऐसे है कि बदलने की ज़रूरत थोड़े से कि नहीं, कि दूसरा वेरिएंट आता है कि इफ़ेक्टिव होते हैं कि नहीं, पर ये टाइम जाते वो समझ पड़ेंगे कि ये वैक्सीन काम करेंगी ये दूसरा वेरिएंट पे नहीं तो फिर वो थोड़े से चेंज, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल द सेम है वैक्सीन के, सो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके, जैसे कि अब इंडियन वेरिएंट आया तो उसके नज़र से देखते हुए कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली की जाएगी, लेकिन जो सा बेसिक उसका स्ट्रक्चर हाँ, है वो वैक्सीन का सेम रहेगा, पर एज आपने कहा कि जैसे कि बूस्टर जो सा है कि जैसे कहते हैं अभी सितंबर में हो सकता है कि और आपको लगवाना पे बूस्टर वैक्सीन, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी आपके कहने के अनुसार, बाकी जो सा साइंस वगैरह वो भी सेम होंगे जस्ट टू बूस्ट योर कि वो वेरिएंट जो उनसे आपको अफेक्ट ना करे, वो भी वो देखते हैं कि जरूर है कि नहीं है, इसलिए वो ट्रायल्स शुरू हुआ जी। लेकिन पर बूस्टर तो लगाने के वो बोलते साइंटिस्ट बोलते हैं कि हो सकते हैं कि बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज जब तक ये कोरोना वायरस नहीं है दुनिया में नहीं है तब तक तो ये करना पड़ेगा थोड़े से, बिकॉज वो वायरस स्प्रेड
रहते हैं। सो जब तक कोरोना वायरस है तब तक प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा हमको, चाहे वो वैक्सीन है जैसे आपने बताया, डिस्टेंट है, फेस मास्क है, अपने स्टेनोराइज अपने हाथ ने करने हैं, वो हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक कोरोना वायरस का नाम हमारे वो तो करना पड़ेगा। यू नो ये हैंड्स फेस स्पेस ये तो ज़रूरी है। नहीं मैं ये बोलता हूँ कि अभी मैं तो यूज टू हुआ के मास्क लगवाने के लिए, अब तो सारे यूज्ड टू हो गए हैं कि हमें अभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मास्क पहनने की निकालने की जरूरत नहीं है। मैं तो लास्ट वीक मैंने खाने खाने के पहले मैंने भूल गया कि मेरे पास मास्क था। सो ये हैबिट बन गई ना, हैबिट बना दो, बिकॉज हैबिट ये कोरोना के लिए नहीं है कि बट दूसरा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉफ कोल्ड वो भी कम हो जाता है बिकॉज ट्रांसमिशन अपने एयर में नहीं है। जी जी, वो जो उनसे हमारे निकलते हैं कीटाणु मुंह से, वो बाहर नहीं जाते। ने, ने, अभी भी मैं बताता हूँ कि मास्क पहनने की टेक्निक भी ऐसे नहीं लगाना पे कि पूरा आपको नोज और यहाँ से फिट टाइटिंग और मुँह से टाइट फिट करना है कि आपको पूरा के गिर नहीं जाते हैं। जी जी, नहीं ये मास्क भी बदलना पड़ेंगे। और क्या है कि आपके पास ये हैंड सैनिटाइजर है जी। अभी लोग हैंड सैनिटाइजर नहीं यूज़ करते हैं तो ये ज़रूरी है बिकॉज सभी जगह में सोप नहीं है, आप चलते हैं मूव थे तो ये हैंड सैनिटाइजर भी लगवाना पड़ेगा। और क्या है कि डिस्टेंसिंग में ये डिस्टेंस है, इतने रखना पड़ेगा, इतना रखना, हर एक कम है, मेरा जहाँ जहाँ जाना है वहाँ से जा रहे हो आप, तो फिर आप सेफ रहेंगे। ये वैक्सीन तो है आपके पास, पर वैक्सीन के ऊपर ये एडिशनल प्रोटेक्शन है। आप नहीं बोलते हैं कि गाड़ी लेके गाड़ी तो ब्रांड न्यू गाड़ी ले लिया लेकिन विंटर में नहीं चलते हैं तो एंटीफ्रीज लगाना पड़ेगा ना, और आपको पॉलिश प्रोटेक्शन लगवाता है सो उनका पॉलिश नहीं निकल जाता है, तो यही है। सो आपको ऐसे चलना है कि ये 2 मीटर का ऐसे पूरा दायरा बनाकर एवरीडे का प्रैक्टिस बना दो। क्या है उसमें कुछ आपको इसमें पैसे नहीं लगाना पड़ेगा, पर अपनी तबीयत के लिए और अपने फैमिली और आप रिश्तेदार को सेफ्टी के लिए यही है। और दूसरा ये है कि ये टेस्टिंग वाला जी, ये जो टेस्टिंग है ना, ये होम किट रैपिड टेस्ट कोविड 19 सेल्फ रैपिड टेस्ट वाला, एंड वो भी अच्छा है बिकॉज ये आप काम करते हैं, अभी काम शुरू हुआ तो काम जो शुरू हुआ तो फिर हफ्ते में 2 दफ़ा टेस्ट करने की ज़रूरत है। सो आप जानते हैं कि नेगेटिव टेस्ट जो सिम्टम्स नहीं है तो सिम्टम्स की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, वैसे ही आपने चेक करना है जब आपने काम स्टार्ट किया। आपके आप टेस्ट कर सकते हैं, मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि बिकॉज हमारे पास सिम्टम्स नहीं है अभी, पर मैं यहाँ आया सो पहले मैं टेस्ट कर लिया सुबह में जी। नहीं ये क्या है कि मेरे सेफ्टी और आपकी सेफ्टी के लिए जी, भी जी, और स्टाफ का सेफ्टी भी लिए। और क्या है कि ये नेगेटिव टेस्ट जो आता है तो आपको थोड़े से शांति है कि आप अपने काम चलते हैं, पर लेकिन जो पॉजिटिव आ गया तो फिर आपने पूरा PCR टेस्टिंग करना पड़ेगा जी। सो वो वापस कंफर्म करेंगे, पर जो पॉजिटिव आएगा तो फिर आप आइसोलेट करना पड़ेगा ने PCR टेस्टिंग करवाए की जरूरी है ने वो भी घर पे मिलेंगे और जहां आपको चाहिए वहां सेंटर में मिलेंगे। ये सेल्फ टेस्ट वो आपको सर्जरी में के पास और NHS वेबसाइट के पास ऑर्डर कर सकते हैं, और ये अपने कोई कोई फार्मेसी में भी मिलते हैं। नहीं ये फ्री है, आपको जितने चाहिए उनको बता दो तो वो दे देते हैं जी। सो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो उनको भी टेस्टिंग करना पड़ेगा हफ्ते में 2 दफ़ा जी। सो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे लोग भी टेस्टिंग करते हैं जी, बिकॉज वहाँ बाहर ज़्यादा अभी तो हाफ टर्म आएंगे सुन, पर उसके बाद में बिकॉज ये वायरस अभी हटा नहीं है जी, अब तो दूसरा भी आ गया है। सो अभी हमें पता नहीं कि कितने अलग अलग तरीके के आने हैं। सो ये जो उनसे NHS का एक गवर्नमेंट की भी govt.uk की भी वेबसाइट है, वहाँ से भी फ्री मिलते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो अगर किसी को नहीं पता तो NHS से भी ले सकते हैं, जहाँ पर भी आपके क्लिनिक वगैरह है, डॉक्टर क्लिनिक है, उनसे भी आप संपर्क करके ये सारी किट्स ले सकते हैं इनसे फ्री ऑफ चार्ज। अगर घर में डिलीवरी करवानी हो तो वो भी
डिलीवरी आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज घर में हो जाती है. सो देर इज़ मैनी प्लेस जहाँ से आप ये ले सकते हैं. एंड जैसे कि डॉक्टर पटेल ने मैंशन किया कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर ट्वाइस अ वीक आप अपना टेस्ट जो है कोरोना वायरस का करते रहे तो ठीक है, अगर नेगेटिव है दैट्स फाइन, अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद जो सा टेस्ट है वो रेकमेंड किया जाता है, जो करवाना बहुत ज़रूरी है. इसमें आइसोलेशन वगैरह और सारा कुछ जैसे शामिल है. वो टेस्ट का रिजल्ट भी रिपोर्ट करना पड़ेगा NHS वेबसाइट पे. वो जो सी वेबसाइट पॉजिटिव नेगेटिव है और रिजल्ट नहीं आया तो भी फिर आपको टेस्ट NHS वेबसाइट पर, गवर्नमेंट वेबसाइट पर बताना पड़ेगा आप. सो इसमें जो उनसे किट होती है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि स्वॉब्स होते हैं और जो उनका सोल्यूशन होता है जिसमें डालकर आपको बताया जाता है कि ऐसे आपने करना, स्टेप बाय स्टेप आप दिखा सकते हैं अगर आपने दिखाना है तो. डॉक्टर तो ये हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि टेस्ट कैसे करना. तो दैट टेस्ट जो लोग नहीं करा, ये सिंपल सोल्यूशन है कि घर पे भी कर सकते जी. घर में ये जो सी किट मेनली उन लोगों के लिए है कि घर में इजीली आप अपने बच्चों का या स्पेशल नीड है कोई उसका करना है, या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि ये तो रेकमेंड अब सबके लिए किया गया है कि ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है. अगर आप काम भी स्टार्ट कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जौन सा आपका जौन सा रिजल्ट है वो नेगेटिव आया हो. और उसको रिपोर्ट करने का भी तरीका जो कि NHS की वेबसाइट होती है उसमें आप अपनी नेगेटिव की पिक्चर्स ले सकते हैं. उसके बाद जो उनसे एक जो उनसे रेफरेंस नंबर होता है वो भी होता है. ये जो उनसे स्वाब है उसके साथ स्वाब है, स्वाब के साथ ये वायल आता है, उनका पूरा इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. सो ये जो उनसे स्वाब्स है आई थिंक देयर इज सेवन होते हैं एक में. हाँ, सेवन है हफ्ते के लिए. सो ये जो सी किट का पूरा सामान है कि आप कैसे कैसे प्लास्टिक जो सा कैसे इंस्ट्रक्शन भी दी गई हुई है लीफलेट के आधार पर. ये डायग्राम में लिखा है सो जो आप पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ ये डायग्राम फॉलो करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख दिया. नहीं ये स्वाब हटा दे, ये ट्यूब में लगाने थोड़े से एंड वो आपका जैसे वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ऐसे. सो जब तक ये ट्यूब में लगवाया तो ये डिप करते हैं, आपको रिजल्ट आता है तो वो बताएंगे लाइन आएंगे कि नहीं आएगा. सो मेक श्योर करना कि जब भी आपने ये टेस्ट करना है अपने हैंड वॉश करके स्पेस वॉश होना चाहिए, फिर अपनी जो सी किट है उसको ओपन करें और जो सा स्वैब है फर्स्ट स्पेशली आपने मुंह में करना है, 10 बार ही घुमाना है, फिर उसके बाद में नाक में घुमाना है 10 बार एटलीस्ट. सो उसके बाद जो सा रिजल्ट ठीक आता है, क्योंकि कई बार हम एक दो बार घुमा देते हैं उससे रिजल्ट राइट नहीं आएगा. सो इस मेक श्योर कि आप अच्छी तरह जो सा घुमा कर उसे फिर ही रिजल्ट के लिए उसको डालते हैं. सो दैट्स मेन जो उनसे किट में सारा है, लीफलेट है, स्वॉप्स हैं एंड जो उनसे सोल्यूशन है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है और कंटेनर जिसमें आपने टेस्ट रखना है और ये जो उनसी टेस्ट किट है यहाँ पर ये स्ट्रिप पर लगाएंगे सो आपका रिजल्ट यहाँ आएंगे. सो रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर लिखा है CTNS. सो क्या आना चाहिए रिजल्ट अगर नेगेटिव या पॉजिटिव है, इसमें एक लाइन आनी चाहिए या दो लाइन? हाँ, सो ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये टेस्ट करा नहीं. सो आई जस्ट क्विकली लुक एट इट एंड प्लीज टेल. सो ये तो स्वॉब्स है कि आपने अंदर से पूरी तरह घुमाना 10 बारी और फिर नाक में घुमाना, तो उसके बाद जो सा है जो से ये रहा आपका टेस्ट कि किस तरीके से आना चाहिए. सो या ये लिक्विड जो है कहाँ है वो लिक्विड यही है. सो इसमें दो ड्रॉप लगवाना पड़ेगा ये स्पेसिमन वेल में, यहाँ से इसमें डाल दो टिपे. सो जो उनका पहला पार्ट है जहाँ पर S लिखा हुआ है वहाँ पर आपने दो ड्रॉप्स जो उनसे हैं वो लिक्विड के डालने हैं जो कि ये इसमें है. हाँ, सिर्फ दो ड्रॉप लगवाना है और कुछ नहीं. ने इसके बाद जो उनका रिजल्ट है वो आता है. तो रिजल्ट यही है. सो रिजल्ट में यही है कि इस पे CT ने S लिखा है यहाँ. सो ये देख लो ना, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं. सो जब तक हॉरिजॉन्टल सो या सो सी फॉर कंट्रोल, टी फॉर टेस्ट, ने उसमें देख लो कि पॉजिटिव लाइन आता है तो दो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी ऊपर और नीचे की दो लाइन है. या ठीक है. सो ये सी के पास में, सो वन नेक्स्ट टू द सी ने वन नेक्स्ट टू द टी, यहाँ सी एंड टी है.
सो एक लाइन सी पर आएगा ना, एक लाइन टी पर, टेस्ट पर आएगा, कंट्रोल पर और टेस्ट पर, एंड वो पॉजिटिव, ये दो लाइन वन नेक्स्ट टू सी एंड वन नेक्स्ट टू टी जो आएंगे तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट है. इवन थोड़े से फेंट लाइन हो बताएंगा ना तो भी फिर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. तो दो लाइन चाहिए फॉर पॉजिटिव. नहीं ये टेस्ट फिर NHS को आप गवर्नमेंट साइट पर रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर एक लाइन आएगी तो दैट्स अ नेगेटिव इजंट इट, सो उसकी वो नेगेटिव, पर फिर भी आप जो सा आपका रिजल्ट है वो आप रिपोर्ट करना जरूरी है, और इसमें जो सा कोड है वो भी बता दे कि जो सा या उन उसमें कोड ये स्कैन कोड है यहाँ या ऊपर से, सो ये वो बोलते हैं QR कोड, सो ID नंबर है या आपका टेस्ट के लिए, एंड ये आप अपना रिपोर्ट के साथ ये आपके साथ वो मैचअप कर देते हैं कि अपना रिजल्ट है. जी, क्योंकि हर एक जो सा ये किट है इसका अपना बार कोड होता है, और बार कोड के आधार पे आप जो सा अपनी रिपोर्ट बुक कर सकते हैं, जो कि है www.government.uk/report-covid-19-result. सो इनकी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीफोन के जरिए भी कर सकते हैं, जो कि जब आपने किट मंगवानी है उसमें टेलीफोन नंबर लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि that's the number, isn't it? Yeah, so it's that's for the Scotland. Right? Yes, Scotland. नहीं, ये 119 में आपको report कर सकते हैं. Okay, 119. सुबह 7 बजे से शाम 11 बजे तक. जी. पर ये जे लोग के पास है ना ये QR कोड, वो QR कोड के साथ आप कहाँ कहाँ घूमते हैं वो भी लोग को जानता है, सो केयरफुल रखना पड़ेगा कि वायरस आप स्प्रेड नहीं करते, इसीलिए ये QR कोड भी मिलते हैं. सो इसीलिए आपको अगर आपने कहीं पर रेस्टोरेंट या कहीं पर भी जाना तो आपको मुनासिब है कि ये जो सी आपने पिक्चर्स लेकर अपने टेलीफोन पर रख सकते हैं, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि आपने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव है, सो दे विल लेट यू इन. There, yeah. And they got the website as well to check his. That's right, and you can go. Remember कि ये symptoms नहीं है, तो जिन लोग के पास symptoms है तो फिर वो PCR, well पहले जो check करना पड़ेगा तो PCR test तक भी जरूरी है. जी. वो और क्या है कि अभी दूसरा एक message बताना पड़ेगा कि जब तक घर में लोग मिलते वो शुरू कर दिया है ना फैमिली के साथ, तो अभी केयर होम में के, पर मेक श्योर के अपना विंडोज दरवाज़ा ओपन है, बिकॉज ये वेंटिलेशन के साथ ये कोरोना वायरस डिस्पर्स हो जाता है, सो घर में ये वायरस घूमते नहीं है, सो दरवाज़ा विंडोज सभी खुल रख दो. ये बात ने आप बहुत इम्पोर्टेंट की, क्योंकि कई बार ही हमारे जो उनसे काफ़ी जो उनसे व्यूअर्स हैं या कई लोग कहते हैं कि हमें विंडोज़ बंद, कहीं बाहर की हवा जो उनसे हमारे घर में ना आ जाए, जिसमें कि ये हम कवर अप नहीं होते, या कोई हमें डिजीज़ दूसरे के घर का हमारे घर में ना आ जाए. पर वेंटिलाइज़र जैसे आपने कहा है कि वो बहुत ज़रूरी है, घर में फ्रेश एयर जो उनसे है वो आनी बहुत ज़रूरी है, सो आप विंडोज़ एंड डोर्स को खोल कर रखें. तो और बताएं हमें कि जौन सा कि आपको लगता है कि जौन सा ये न्यू वायरेंट आया है, इंडियन वायरेंट जिसे हम कह रहे हैं, उससे हॉस्पिटल में और डेथ्स होने के चांस है, सो क्या सिचुएशन है इस टाइम पर? सो न्यू वायरेंट्स में वेरिएंट्स में क्या है कि स्प्रेड तो होता है लेकिन उनका ट्रांसमिशन रेट हो सकते है कि काफ़ी ज़्यादा है, सो दूसरे को स्प्रेडिंग बहुत रैपिड पेस में है. सो ये इसीलिए तो ये वैक्सीन बारे में आगे करा था. सो जितने लोग वैक्सीन मिलते वो ज़रूरी है. जी. इन टर्म्स ऑफ उनका डेथ रेट्स वो इतना ऐसे नहीं है कि दूसरा वेरिएंट के साथ, सो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका ट्रांसमिशन रेट बहुत हो सकते हैं कि ज्यादा है. सो स्प्रेड अभी तो यहाँ तक केसेस कम हुआ जी. पर ये स्प्रेड करने की जल्दी से जो स्प्रेड हो जाएगा, सो ये वायरस के स्पीड ज्यादा है, सो ये वेरिएंट काफ़ी स्प्रेड होते हैं, सो ये थोड़े से प्रॉब्लम आएगा. सो आपको लगता है कि हॉस्पिटल जो सी डेथ्स वगैरह वो कम चांस है अगर आपको दोनों वैक्सीन लगे हुए हैं, बट ये भी ध्यान में देने की ज़रूरत है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से है, जिसका प्रिकॉशन करना ज़रूरी है. जी जी, ये तेज़ी है इसलिए ये प्रिकॉशन काफ़ी रहना पड़ेगा, बिकॉज कहाँ तक
सारे यूके में जो वेरिएंट आ गया ने वो केसेस नंबर जो ज़्यादा हो जाएगा जी तो फिर वापस प्रॉब्लम है। रिमेंबर के यंग पीपल को अभी तक पहले टीका लगाया नहीं जी, ने सेकंड फेज तो अभी आता है, सो सभी लोग को सेकंड फेज भी बाकी है, सो उन लोग को भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वैक्सीन दो डोज लगवाएगा फॉर फुल प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो ये दूसरा लोग को जो बुलाएंगा तो उनको पहले आता है कि पहले इंजेक्शन भी वो ले लेते हैं। ठीक है, और आप ये बताएंगे जैसे कि इस गवर्नमेंट स्टिल जो सा उन्होंने स्टेप थ्री लिया, क्या उनसे कई बार हमारे व्यूअर्स जो उनसे जो हमें देखते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेंज हो रही है वो कह रहे हैं इतना प्रिकॉशन तो गवर्नमेंट ले नहीं रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या सो गाइडलाइन यही है कि गाइडलाइन चेंज होते हैं जी, सो अभी स्टेप फोर में आएगा वो मेन गोल तो स्टेप फोर में जाएंगे जी, पर ये वेरिएंट आया ना अभी जी, एंड वो वेरिएंट पहले लास्ट वीक दो हफ्ते पहले तो नहीं लगवाया कि पूरी इतने ज्यादा, हाँ कि ये बोल्टन में था, ब्लैकबर्न इन इन डर्वेंट में था, अभी बोल्टन में था, सो ऐसे बर्नली में था, सो ये हो सकता है कि दूसरा वेरिएंट भी नहीं भी आएगा, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जितने ये वायरस एयर में घूमते तो नया वेरिएंट नहीं आएंगे, नहीं जितने अभी तो हॉलीडे भी शुरू हुआ जी. जिस लोग दूसरी दुनिया दूसरी मुल्क में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, पोर्चुगल, वहाँ पता नहीं अपने उनके सिस्टम किस तरह से है जी. पर वो आने जाने के लिए इसलिए आपको स्प्रेड हो जाता है, सो मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ रहो कि एक साल के लिए बाहर नहीं जाते तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ आप कंटेन कर सकते हैं, एटलीस्ट आप जानता है कि यहाँ सेफ है जी, साथ में ये है कि आपको एटलीस्ट जैसे अब कि इंडिया में कितना बड़ा हुआ है एंड इस वायरस में ये नहीं पता लगता कि आप कैरियर हो सकते हैं, आपको शायद कोई निशानी भी ना हो कि आपको फ्लू या ऐसा कोई सिम्टम बुखार का हो, लेकिन आप किसी और को दे सकते हैं। उसमें जैसे आपने कहा कि एक साल तक अगर हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहे तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम बाहर जाएँ दूसरी कंट्रीज़ में तो इसमें ठीक रहेगा, बट जो उनसे घूमने फिरने वाले हैं वो कहते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, तो उनको आप क्या कहेंगे, उनको रोकना मुश्किल है? रोकना तो मुश्किल है जी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का है ना जी। मैं अभी मुझे भी घूमने की काफ़ी पसंद है, यू नो 15 महीना हुआ कि ये चार दीवारों में मैं रखा, सो मुझे तो जेल जैसे लगते हैं, पर मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, दूसरे के लिए, कम्युनिटी के लिए करना पड़ेगा ने, जो बाहर जाना है तो यहाँ भी जा सकते हैं ना आप लोग ने, अभी तो फेस टाइम, व्हाट्सएप सभी आपको दूसरे अपने फैमिली फ्रेंड्स को दुनिया में मिल सकते हैं, सो फोन के जरिए से वीडियो चैट करते सो सभी ये तो हैबिट बन गई, 15 महीना तक कर लिया, सो ये हैबिट भी अच्छा है, पर आप देखा दूसरी जगह में क्या है क्या नहीं वो भी आप जानता नहीं है, बिकॉज ये वायरस तो थोड़े से डिलेड है ना, आज मेरे पास जो कोविड सिम्टम है तो मैं कोविड आ गया तो मेरे सिम्टम 8-10 दिन में नहीं भी निकलेंगे, सो थोड़े से ये भी डिले होते हैं कोई दफ़ा, सो जब तक दूसरी कंट्री में वैक्सीनेशन अपने यहाँ से जैसे पूरा प्रोग्राम नहीं डिलीवर करा था तो वो लोग को भी एक्सपोज है, सो वो आपके दे देते हैं, सो ये रिस्क काफ़ी है ना, सो इसीलिए मेरा तो ये एडवाइस है कि होल्ड बैक, जब तक पूरा ग्रीन लाइट नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ घूम लो, मेरे पास लीज आ जाओ वहाँ भी घूमने मैं आपको घुमा लेंगे, लेकिन आप सेफ्टी तो यहाँ है ये मैं जानता हूँ। तो आप ये क्या आपको लगता है कई बार डॉक्टर पटेल कि हमें गवर्नमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है? गवर्नमेंट का मैसेजिंग कंफ्यूजिंग लगता है, यहाँ भी ये रेड एम्बर ग्रीन लाइट
जी सो अंबर में जो आपको लगता है तो फिर जाओ, नकद नो जाओ, पर सभी लोग मैंने जाना चाहिए बिकॉज मेरे थोड़े से काम से यही है। सो अपना इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, पर मैंने सोचा आई थिंक इट वुड बी ईजियर कि अपना टेस्टिंग करवा लिया, नेगेटिव हुआ, आपका टिक्का लगाया, इंजेक्शन मार दिया, वो भी ठीक है, तो फिर आपसे थोड़े से तो भी सेफ्टी लगेंगे। पर लेकिन क्या है कि वहाँ दूसरी कंट्री में जहाँ जाएगा उनका प्रोटेक्शन क्या है वो आप नहीं जानता है। सो ये मैंने बोला ने कि वैक्सीन तो लगवाया लेकिन आपको ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस नहीं आएगा, आपके पास आएगा लेकिन अपने सिम्टम्स थोड़े से कम है, पर आपके पास आएंगे तो आप दूसरा को भी ट्रांसमिट करते हैं। yes, तो ये प्रॉब्लम है ने कि आप आपके पास सिम्टम्स कम है लेकिन पर आप दूसरे को स्प्रेड करते हैं, वो क्या करेगा। तो मुझे एक बात ये थोड़ी सी हैरानगी की लगती है कि जब हमें पता है कि वायरेंट आया हुआ है तो फिर हमारे जो उनसे रोड मैप है उसमें डिले क्यों नहीं किया जा रहा। कि ये तो वो बात होगी ना, हम कहते हैं कि स्मोकिंग की सिगरेट की उस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ डेंजरस, पर फिर भी जो उनसी शॉप्स में सिगरेट बेच रहे हैं हम। हाँ पर ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया ना कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। सो कंट्री का फंक्शनिंग इकोनॉमिकली वो भी देखना पड़ेगा कैसे कैसे नहीं, दूसरा चीज भी वो कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन अपने सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं तो ये एक ही रूल लगवाता हूँ कि मेरा मास्क लगवाता है, मेरे हैंड वॉश करते हैं, डिस्टेंस मैं दूसरी जगह पर नहीं जाएंगा हो सकता है। सो मैं जानता ना, मैं इंजेक्शन लगवा दिया, सो मैं खुद सो इसलिए मेरा प्रोटेक्शन जितने बनते ये कोशिश तो मैं कर लिया। सो वो तो मैं जानता हूँ कि जो मुझे जो कोरोना वायरस अभी भी है जो आएगा तो मेरा सिम्टम्स इतना वॉरिंग नहीं होंगे कि मुझे कुछ तकलीफ पड़ेंगे, दो तीन दफ़ा घर में रहना पड़ेगा लेकिन पर इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सो जो होते हैं तो ओके। सो अब गाइडलाइंस यानी कि हमें फॉलो करनी चाहिए जो उनसी है गवर्नमेंट की, जिस तरीके से भी वो कह रहे हैं, चाहे कोई खुश है उससे या नहीं है, क्योंकि कई लोग बिलीव करते हैं कि ये राइट बात है, कई कहते हैं कि नहीं है। सो एज ए बिलीविंग वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आवर गवर्नमेंट। या आई थिंक ये प्रॉब्लम मेन मैसेज ये क्या है कि प्लीज़ के दूसरे की सुनो मत, गवर्नमेंट क्या बोलता है ये एडवाइस पूरा है, बिकॉज ये उनको साइंटिफिक एविडेंस, केस नंबर्स कितना है, वैक्सीन के साथ ये जानता है कि हॉस्पिटल में केसेस कम हुआ। सो दैट मींस कि जिस लोग के नहीं वैक्सीनेट करा ने जिस लोग को वैक्सीनेट करा उनके तक उनसे इतना ज़्यादा नहीं है हॉस्पिटल में, ठीक है। सो जी वैक्सीनेटेड वाला पीपल है उनका हॉस्पिटल एडमिशन रेट इतना ज़्यादा नहीं है कि जिस यंगर लोग में जे वैक्सीनेशन नहीं कराया उनका रेट ज़्यादा है हॉस्पिटल एडमिशन में। सो ये एविडेंस है कि वैक्सीन इज काम करते हैं। सो यही मेन थिंग है कि ये वैक्सीन दूसरा वैक्सीन आता है, अभी यहाँ शॉर्टेज नहीं है। सो वी गॉट फुली वी आर लोडेड विद आवर। सो गवर्नमेंट क्या करते हैं क्या ये जहाँ ये इंडियन वायरस पर्टिकुलरली डोमिनेंट वायरस वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न जे इंडिया से बारे में बात करते हैं, जिस जगह में डोमिनेंट हुआ वहाँ वो वान व्हीकल्स में टेस्टिंग करते सुबह शाम और वैक्सीनेशन देते और आपको सर्ज टेस्टिंग भी घर पे आके टेस्ट करते कि मेक श्योर कि आप नेगेटिव है ने स्प्रेड नहीं करते एंड आप वैक्सीन लिया है कि नहीं है। सो ये सभी प्रोग्राम इंटेंसिव प्रोग्राम है, नहीं हो सकते है कि पूरी जगह पे नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से कंटेन कर सकते हैं तो फिर ठीक है। सो इसके बारे में भी बताएं थोड़ा। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर स्टेप फोर ऑन द रोड मैप। सो स्टेप फोर ऑन द रोड मैप वी हैव टू सी के केसेस राइज होता है कि नहीं,
हॉस्पिटल एडमिशन मेनली होता है कि नहीं? एनएचएस का, एनएचएस का जो हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल नंबर जो नहीं इंक्रीज होता है, तो देन द स्टेप द रोड प्लान विल कंटिन्यू टू गो रियली. एज द प्रेजेंट मोमेंट अभी तक बोलते हैं कि इट इज ऑन ट्रैक, लेकिन ये केसेस है, दे आर नाउ इंक्रीजिंग देयर एफर्ट जी के ये लोग को कम कर देते हैं कि मेनली ये वैक्सीनेशन के लिए आता नहीं है, समय नहीं आता है. सो उन लोग को हटा देते हैं कि आ जाओ, न बताएंगे कि प्लीज वैक्सीन आप लगवा दो. सो यही मेन है. पर एक प्रॉब्लम आएगा कि अभी तक घर पे मिलेंगे, सभी मिक्सिंग हो जाता है फैमिली के साथ. हग कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, कितने हग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है. सो हग करते हैं तो भी फिर प्लीज केयरफुल रहना पड़ेगा. मास्क पहन के हग कर दो. बट यू नो मजाक की बात नहीं है, लेकिन आपके घर में भी अभी आने जाने इंक्रीज हुआ, तो फिर आपका विंडोज वेंटिलेशन घर में भी जगह रख सकते हैं, रख दो. बाहर मिलते तो बाहर मिल जाओ, खाने पीने बाहर करो. वेदर तो अभी अच्छा है, समर आएगा, सो दैट शुड रियली आप घर में जो ये वायरस कंटेन करते हैं तो फिर दूसरा भी लगते हैं ना. अपने में क्या है कि घर छोटा है, सो घर छोटा है तो किस दूसरा भी लगेंगे कि आप दो तीन चार लोग है घर पे रहते हैं और दो फैमिली रहते हैं तो उसको दूसरे भी लगवाएंगे ना. आपका काम शुरू हुआ तो अभी करना पड़ेगा ना, तो फिर नगर तक काम भी बंद वापस हो जाता है. ये बात आपकी सही है डॉक्टर साहब कि कई जो उनसे है कि एक एक रूम कई रेंट हमारे एशियन लोगों ने लिए हुए हैं, एक घर में दो तीन फैमिली इकट्ठी रह रही हैं. सो उस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर जो उनसे है कि टेस्ट करवाया जाए. एंड और कौन से रीज़न हो सकते हैं कि आपको टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है? वेल टेस्ट करवाना के बहुत ज़रूरी यही है कि आपको कुछ कॉफिंग है, फीवर है, आपका स्मेल टेस्ट जो कम हुआ, तो फिर आप इन एनी ऑफ दोज सिम्टम्स तो आप टेस्ट करने की ज़रूरी है. जल्दी से जल्दी टेस्ट कर दो बिकॉज आप दूसरे के भी स्प्रेड करते हैं. सो नहीं ये जो रैपिड टेस्ट मिलते हैं वो तो जिन लोग के पास सिम्टम नहीं है. रिमेंबर के अभी मेरे पास जो कोविड 19 है मेरे सिम्टम्स नहीं है, ये कॉफिंग, ये टेम्परेचर, ये सांस लेने की डिफ़िकल्टी नहीं है, और खाने के स्मेल कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है. पर तो भी वो बोलते एसिम्टोमेटिक कि सिम्टम नहीं बताते, तो भी मैं स्प्रेड कर सकता हूँ. सो 1 in 3 पीपल विथ कोरोना आर सिम्टोमैटिक, एसिम्टोमैटिक. 1 in 3, हाँ. सो 33% आर एसिम्टोमैटिक, हैव नो सिम्टम्स. सो अभी मैं आप लोग जैसे है कि घूमते फिरते और आप तो कितने लोग को स्प्रेड करते हो, मुझे कुछ नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, कॉफिंग भी नहीं है, ठीक है ठीक है, पर आपने पास सिम्टम नहीं है ये नहीं जानते. पर आप कैरियर है, आप कैरियर तो है ना, तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसलिए ये फ्री रैपिड टेस्ट के करने के आपको थोड़े से जो चेक कर लीजिए रेगुलरली ने अपने बंदे में जरूरी है एज वेल, बिकॉज अपने में रिस्क ज़्यादा है काम के लिए, एक्सटेंडेड फैमिली में लिए. सो इसलिए ये मंगवा लो ने इजी टेस्ट करने के लिए, साथ में फ्री है कोई पैसा. एक बात मैं और जानना चाहूँगी, ये दो बारी क्यों टेस्ट करवाना ज़रूरी है? वीक में हम एक बारी भी करा सकते हैं, बट व्हाई डू वी हैव टू हैव ट्वाइस इन अ वीक? या यू हैव टू पिक द टाइम आउट रियली. सो काम पे जाते हैं तो भी आप करना पड़ेगा ना. सो ये क्या है कि यू हैव टू सी कि जो मंडे करेंगे, लेट्स से आप मंडे करेंगे बिकॉज वीकेंड फिनिश हुआ, सो वीकेंड घूमते आप फरते खाने पीने ऐसे करते, तो आप चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं जी. अभी तो सिम्टम्स नहीं है पर मैं चेक करेंगे कि पॉजिटिव आया कि नहीं. सो आप काम पे जाता है मंडे आराम से, और स्कूल में जाते हैं कि जहाँ जे करते हैं वो आप कर सकते हैं. ओके, सो एक फ्राइडे, सो मेरे रेकमेंड ये तो सिर्फ रेकमेंड मैं बोलता कि मंडे करते हैं तो ठीक रहते हैं जी, बिकॉज़ वीकेंड आप घर पे मिलते आते जाते
सो फ्राइडे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फ्राइडे ओ मंडे कर ले, फ्राइडे आपको पता है कि आपने आउटिंग जाना है, बाहर जाना है, तो उसके बाद जब आप मंडे मॉर्निंग जो है उस टाइम देख लें कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। हाँ, सो कल पार्टी करेंगे तो फिर आप अपना चेक करना पड़ेगा कि मैं मंडे काम पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। जो नेगेटिव आ गया उसके बाद PCR टेस्टिंग करना पड़ेगा। सेकेंडली, वो वीक के बीच में आप कर सकते हैं, तो भी आप जहाँ काम पे जाता है वहाँ से तो कुछ नहीं लाया ने? जी, ये भी बात, फ्राइडे तक पता लग जाएगा कि 5 दिन काम किया था कहीं वहाँ से तो नहीं। हाँ, वहाँ से नहीं। सो मिड, यू नो, एक मिड वीक में करते हैं। सो ये रेकमेंड हो, 2 दफ़ा हफ्ते में करते हैं तो ठीक है। Okay, so twice a week is recommended. हाँ, स्कूल वाला को तो twice a week करना पड़ेगा। Twice a week. हाँ. तो जो उनसे बच्चों का टेस्ट करते हैं फिर उसमें? हाँ, ये प्रॉब्लम है कि बच्चे में टेस्टिंग, बच्चे को पसंद नहीं आता है टेस्ट करने के, उनको थोड़े से उनका रेगुलर हैबिट नहीं है ना। आप लोग, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पहले स्कूल में फेस मास्क, फिर उनको हैंड, क्योंकि छोटे बच्चे यूज टू नहीं होते। वही है ना, अभी क्या है कि सेकेंडरी स्कूल में वो मास्क पहन के, बताया ना कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है जी। सो ये बड़ी स्कूल में, सो वहाँ से वो दूसरी स्कूल में नहीं लाता है, नीचे वाला लोग को भी नहीं देता, नकद घर पे आता है, वो घर पे वो बच्चे लोग को, छोटे वाले बच्चे को स्प्रेड करते हैं, बिकॉज उन लोग तो मास्क पहनते नहीं है जी। और दादा दादी घर में है साथ में? हाँ, दादा दादी है और दूसरा बहन भाई है, वो छोटे वाले है, वो छोटे गुड्डी है, वो उनको भी स्प्रेड करते है। सो ये थोड़े से देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी, और क्या प्रोग्रेस किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट में, जैसे आप तो रिसर्च टीम में भी हैं, तो उसके मुद्दे से अगर देखें तो और क्या क्या कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च चल रही है? या सो कोरोना वायरस रिसर्च के बारे में तो बहुत चलता है, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड जो आप बात करते कि कितने लाइफ सेव करा था, अभी सिंपल स्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। सो वो हॉस्पिटल के रिसर्च वो बताया, वो रिकवरी ट्रायल में देखा था कि जब तक हॉस्पिटल में जाते हैं, वेंटिलेटर पे है ने, आपको ये स्टेरॉइड जैसे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो तो क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, तो फिर उसमें भी कितना लाइफ बच गए ने सेव कर लिया, सो सिंपल स्टेरॉइड्स के साथ। सो वही है, पर कम्युनिटी में ट्रीटमेंट चाहिए अभी। अभी घर पे आपको कुछ ट्रीटमेंट, आपको सिम्टम्स आया, बीमारी आ गया, तो उनको दवाई क्या है जी, ये दैट इज समथिंग दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू लुक एट, एंड व्हाट आर वी सीइंग नाउ। एक चीज तो पहले यही है कि एंटीबायोटिक, ये जो बोलते हैं अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, हमारे प्रिंसिपल ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बताया था कि COVID-19 सिम्टम के लिए एंटीबायोटिक का कुछ फायदा नहीं है। ओके, सो ये नई ट्रायल से थोड़ा पता लगा। हाँ, डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक दे दो, ना एंटीबायोटिक नहीं दिया, सो आप बोलते हो ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये नहीं बात है, एंटीबायोटिक के कुछ काम नहीं है। दूसरा इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक काम करेंगे, लेकिन कोविड का सिम्टम के लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। That is something new. तो और कोई मेडिसिन भी इसमें ट्रायल में लाई जा रही है कि इंस्टेड ऑफ वैक्सीन कोई मेडिसिन हो जिसकी द्वारा जो हमारे कई व्यूअर्स इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ रिस्ट्रिक्शन करके इंजेक्शन की वो भी आई, या कुछ ऐसी मेडिसिन भी कोई आ रही है? सो मेडिसिन आ गई। सो हमारे प्रिंसिपल ट्रायल में अभी बताया था कि ब्यूडेसोनाइड इनहेलर जी, सो ब्यूडेसोनाइड इनहेलर इज आपका व्यूअर्स कोई पहचानता भी है कि ब्यूडेसोनाइड टर्बोहेलर हम यूज करा था हमारे ट्रायल में, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स साइज Phase 3 ट्रायल ग्लोबली जी, के वी हैव शोन, बताया था कि अर्ली सिम्टम्स में घर पे जो है, जो हॉस्पिटल में नहीं है, उनको ब्यूडेसोनाइड इनहेलर जो आस्मा में यूज़ करते हैं, क्रॉनिक COPD जो बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में यूज़ करते हैं, सो ये घर में अभी ये तो
यूज़ कर सकते करते रेगुलरली करते हैं, चीप है दवाई, सो ये नई दवाई नहीं है। सो ये दवाई यूज़ करके आपका रिकवरी टाइम हैज़ बीन इंक्रीज बाय मीडियन ऑफ 3 डेज। सो आपको हो सकते हैं कि आपको पहले 8 दिन रिकवरी का टाइम लगवाया था, तो अभी ये कम करते बाय मीडियन ऑफ 3 डेज, सो 5 दिन में आपको रिकवर कर दिया और अपने सिम्टम्स इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और क्या है कि आपको अब बेहतरीन फीलिंग भी बेहतरीन हो। सो उसकी वजह से जो उनसे आपने ये ब्यूटासिनाइड इनहेलर जिस लोग के जाते ये यूज़ कर सकते हैं उन लोग को, सो दोज फॉर पीपल ओवर 50 एंड 65 एंड ओवर 50 एंड ओवर विद एनी अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक डायबिटीज, इम्यूनो कंप्रेस है ऐसे और हार्ट डिजीज, और 65 एंड ओवर ये बुढ़े लोग, इतने बुढ़े तो नहीं है लेकिन थोड़े से उम्र वाले बड़ी उम्र के बड़ी वाले वो कई बार छोटी उम्र के भी अपने आप को बड़ी उम्र के समझते हैं। सो वो बताया था, सो ये ब्यूटासिनाइड एंड ये ब्यूटासिनाइड इनहेलर क्या है कि अभी इंडियन गाइडलाइन में भी आ गया, सो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सो ये भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से ये फाइंडिंग बताया इज नाउ यूज्ड इन इंडिया जी फॉर एज अ होल गाइडलाइन फॉर कम्युनिटी में जिस लोग को इस्तेमाल कर सकते हैं टू यूज द ब्यूटासिनाइड इनहेलर के अपना रिकवरी टाइम शॉर्ट हुआ, सो इतने ज़्यादा अपना सिम्टम नहीं होता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है, हो सकते। और क्या कि ये भी बताया कि ब्यूटासिनाइड इनहेलर के साथ हॉस्पिटल में एडमिशन भी कम हुआ, पर लेकिन ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं था, पर ये बताया था कि हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स भी कम हुआ था। ने ब्यूटासिनाइड इनहेलर के साथ अपने सिम्टम्स 28 डेज वी हैव मॉनिटर्ड, उनको मॉनिटर कर लिया कि 28 डेज में सिम्टम्स they are still feeling well after 28 days. Oh, that's a big thing. So that's a big breakthrough. Or we are also using principal trial mein abhi so ye to puri duniya ke ye bataya tha. So they are using that guideline, that finding unke practice mein. Canada mein bhi use kar sakte karte hain now as unka national guideline for using budesonide inhale. अभी नया ड्रग क्या है कि वी आर यूजिंग कोल्चिसिन नाउ एज वेल, सो ये एनीबॉडी दैट इज फीलिंग ब्रेथलेस, एनीबॉडी ओवर 18 नाउ एंड विद अंडरलाइंग कंडीशंस, आपको मैं भेजा था, सो ये आपके वेबसाइट पर डाल दो सो यू कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ आई एम जस्ट सीइंग इफ आई कैन show you very quickly जी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, हाँ, I don't think so we will be able to make it to die. Yeah, but so इसलिए anyone age 65 and above, anybody 18 and 64 जी, with any breathlessness जी, or anybody with underlying condition. So colchicine भी आ गया, so ये trial में देखते हैं कि ये कैसे use कर सकते हैं, और एक antiviral भी शुरू हुआ favipiravir के एंटीवायरल केस वो इफेक्टिव है कि नहीं है COVID-19 सिम्टम्स ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पटेल, आपने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी एंड जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी थी, हमारे लिए भी एंड एवरीबॉडी जो भी जिन्हें ज़रूरत थी इस इन्फॉर्मेशन की, इस टाइम पर हमें सबको ज़रूरत है, स्पेशली जैसे कि आप एशियन कम्युनिटी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे काशी टीवी पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे अब फिर मिलेंगे। तो काशी टीवी पर हमारा यही प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है, हेल्थ टॉक शो विद भावभी को मिलेंगे अगली वीक किसी और गेस्ट के साथ, मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते सत श्री अकाल, एंड मैं अकेला ही चला था सफर पर, लोग मिलते गए और एक कारवां बनता गया।